अजब गजब गांव की अजब गजब कहानी। ये अजब गजब कहानी है और गांव भी अजब गजब है। आपने देश में बहुत से गांव देखे होंगे जहां आने जाने की सुविधाएं नहीं, जरूरत का सामान नहीं मिलता, बुनियादी जरूरतों का अभाव रहता था, सड़कें ठीक नहीं, पानी बिजली की समस्या रहती है। लेकिन इस अजब गजब गाँव के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे गाँव में कौन नहीं रहना चाहेगा? मरुस्थल में गाँव। जी हाँ, ये गांव ऐसा है कि हर कोई यहाँ बसना चाहे। भले ही आपने बड़े बड़े देश घूमे हों, वहाँ की चक्का चौंध देखी हो, आधुनिक सुविधाएं मिली हों, उच्च तकनीक हो, बेहतरीन इंतजाम हो, लेकिन इस गांव में जाकर आप सब भूल जाएंगे और गांव के बारे में सारे मिथक टूट जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में आ गए। धरती पर ऐसे गाँव की कल्पना भी नहीं की होगी आपने। ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ये गाँव मरुस्थल के बीच बसा है। ये मरुस्थल राजस्थान का नहीं है, बल्कि ये दूसरे देश में है। पेरू में बसे ये गांव हरा भरा है। इस गांव का नाम हुका चाइना है। खूबसूरत गांव में पहुंचना ही अपने आप में रोमांचित करने वाला है, और जब गांव में पहुंचेंगे तो वहां मिलने वाली सुविधाएं देखकर दंग रह जाएंगे। अद्भुत नजारा। इस गाँव में केवल 96 परिवार ही रहते हैं, लेकिन गाँव में होटल और दुकानें सब कुछ है। यहाँ बड़ी तादाद में सैलानी घूमने आते हैं और उन्हें सनसेट का अद्भुत नजारा दिखाया जाता है। ये गांव कैसे बसा, इसके बारे में भी दिलचस्प कहानी है। यहाँ एक झील भी है। इस झील में जब परी नहा रही थी तो एक शिकारी ने उस पर निशाना साधा। वो तो बच गई, लेकिन उसके कपड़े उड़कर झील पर गिरे, जिससे वहाँ बड़ा टीला बन गया, और इसे टीले के भीतर ये गांव बसा है। रात का नजारा तो और भी शानदार है। आप तस्वीर देखकर ही समझ गए होंगे कि यहाँ जाने पर कितना आनंद मिलता होगा।